लोकसभा चुनावों का बिगुल बजते ही उम्मीदवारों की ओर से अपनी दावेदारी दी जाने लगी है और लोगों तक अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी गई है। इसी के चलते आज स्वर्गीय विनोद खन्ना, जो कि गुरदासपुर लोकसभा हल्का से सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी कविता खन्ना ने लोकसभा हल्का से अपनी दावेदारी जताई। बता दें कि विनोद खन्ना की मौत के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार रहे स्वर्ण सलारिया को कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने भारी वोटों से हराया, जिसके बाद अब स्वर्ण सलारिया लोकसभा हल्का गुरदासपुर में सरगर्म है। वहीं अब स्वर्गीय विनोद खन्ना की पत्नी ने भाजपा की ओर से लोकसभा हल्का गुरदासपुर के लिए अपनी दावेदारी दी है और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इन सभी बातों का खुलासा कविता खन्ना की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा हल्का गुरदासपुर से भाजपा की ओर से अपनी दावेदारी दे रही हूं। मैं इस हल्के से चुनाव लड़ना चाहती हूं। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं विनोद खन्ना के अधूरे कामों को जरूर पूरा करूंगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। मैं वो कहते हैं ना, अकलमंद इशारा काफी है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने मुझे इशारा दिया है कि इनके सपने अधूरे रह गए, इनको पूरे करने हैं। और बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे फीडबैक आ रही है बहुत हमारे सीनियर लीडर से, और सभी लोग कह रहे हैं कि लोगों की ये इच्छा है कि आप उनके एमपी बनो। और मैं लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ, और मैं दावे से कह रही हूँ कि मैं ये सीट जीतूंगी। अक्षय कुमार आ रहा है अभी। अक्षय खन्ना को